हाँ जी, तो अब आप लोग कहोगे कि निखिल भाई तुम ये क्या सिखा रहे हो, व्लॉग के नाम पे पिज्जा बनाना सिखा रहे हो। बाहर बहुत ज्यादा कोविड चल रहा है यार, तो खाने का मन तो सबका ही करता है ना, मेरा करता है, तुम्हारा करता है, सबका करता है, तुम्हारे घर वालों का भी करता होगा, तो तुम भी बना के खिलाओ ना। मैं भी तो बना के खिला रहा हूँ यार। तुम्हारे भाई को भी नहीं आता था, तुम्हारा भाई एक होटेलियर है, एक होटेलियर होते हुए तुम्हारे भाई को सिर्फ दो तीन चीजें बनानी आती हैं, व्हाइट सॉस पास्ता, वो भी हॉस्टल में बना पाते थे इंडक्शन पे इसीलिए क्योंकि रात को बनाने को वही मिलता था। और तीन चार दिन पहले तुम्हारे भाई ने सीखा पिज्जा, और इतना कैड़ा बना देगा ना, इसलिए हम खाएंगे घर का बना के। और बहुत ही इजी है, वेज पिज्जा है, बहुत इजी स्टेप्स हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग अर्बन खाट। ट्यूटोरियल से पहले सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, फिर ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, ठीक है। तुम्हें मैं सामान बता देता हूँ, सामान लेना है ये 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 सब ले लेना है, देख लो क्या क्या है, ठीक है। मतलब ये ओनियन, कैप्सिकम, बाकी बनाते हुए दिखा दूंगा यार। ये सब सामान रख लो अपने पास, काट कूट के तैयार करके रख लो, और बहुत ही सस्ता मस्ता सामान है, बड़ा सस्ता पिज्जा बनेगा, सही बढ़िया एक नंबर कैड, ठीक है। मैं अभी साथ साथ लगाऊंगा ना, जैसे पिज्जा बेस पे, बेस बाजार से लाना पड़ेगा, है ना, मैं तो बनाना नहीं सिखा सकता भाई बेस, और मैंने सीखा था मतलब बेकरी में, लेकिन मैं भूल गया, मेरे को कुछ भी नहीं आता यार, हमारी आधे टाइम तो ऑनलाइन लगी है, आधी डिग्री तो ऑनलाइन होगी। बिना किसी देरी के फिर शुरू करते हैं पिज्जा। हाँ, तो फिर सबसे पहले चाहिए एक पिज्जा बेस, ये होता है बड़ा सूखा सा, ठीक है, तो मतलब ये फूल ना जाए, और बीडिंग करते हैं यार, मतलब समझ जाओ कि चीज़ वगैरह ना बाहर ना फैलें, इसके अंदर ही टिक जाए, इसलिए हमें वैसे थोड़े से छेद इसमें हुए हुए हैं, लेकिन थोड़ा भाई भाई भाई। ये तो पार ही हो गया, थोड़े बहुत हम और कर देंगे, मेरी तरह आर पार मत करना जोश में, ठीक है। ये मैं तुमको दिखाने के लिए कर दिया यार, वैसे मैं बढ़िया बना देता हूँ एक नंबर। तो फिर एक काम करो, मक्खन की उठा लो टिकिया छोटी सी, उसमें से थोड़ा सा मक्खन लो निकाल, थोड़ा सा मक्खन निकाल के लगा दो बेस पे, ठीक है, लगा दो ऐसे प्यार प्यार से मक्खन लगाना है, जैसे तुम अपने टीचर को प्रैक्टिकल में लगाते हो नंबरों के लिए। जिनके पास दूसरा ओवन है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास है ये वाला ओवन, हमारा दूसरा वाला ओवन यार खराब हो गया था, तो इसमें डाल दूंगा, और टाइमर लगाना है 2 मिनट का, सिर्फ इसे गर्म करना है, 2 मिनट करेंगे, टेम्परेचर 240 स्टार्ट। टेम्परेचर इतना कर देना कि टू हॉट टू हैंडल हो जाए, 240 टेम्परेचर फिक्स कर देना अपने में भी, इस साइड हो ना। सबसे पहले यार अपने को ट्यूटोरियल देने थोड़ी आते हैं, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ, बहुत इजी स्टेप्स में सीख जाओगे। सबसे पहले एक चम्मच ले लो स्पाइसी चटनी, अगर स्पाइसी खाते हो तो, अगर नहीं खाते तो आप मीठा मीठा केचप लगाओ, सॉस वाला, वो टमाटो वाला, ठीक है। और अगर आप स्पाइसी के फैन हो तो श्योरली शेजवान चटनी लगाइए, मैं ऐड नहीं करूंगा कि मैं किसकी लगाता हूं, पर मैं फिर भी बता देता हूं कि मैं चिंग्स चाइनीज की लगा रहा हूं, क्योंकि आप भाईचारे में अपने, इसलिए बता दिया। और अगर आपको वो बाजार से नहीं मिल रही है तो आप उसे फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। तो बेस पे लगा दीजिए ऐसे ऐसे करके चटनी। स्टेप्स को ना बढ़ाते हुए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा चटपटा खाना पसंद है तो थोड़ी सी किसान सॉस इसके ऊपर ही डाल देना, टमाटो केचप डाल देना, ठीक है ना, अगर चटपटा पसंद है तो। कभी कहो निखिल भाई तूने कहा था हमें तो तीखा खाना था, तूने मीठा करवा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर केचप लगा ली तो केचप के बाद मेयोनीज बनानी है, व्हाइट वाली के अंदर रेड वाली केचप, यही वाली हाँ, टमाटो मिक्स कर दो विस्कर से, आराम से मिक्स करो, ठीक है। मिक्स करके पहले लगाई हमने शेजवान, फिर लगाई टमाटो, अब ये लगा दो। अब मेन चीज हमें चाहिए चीज जो कि होती है क्रश्ड, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, हमें ऐसी क्रश्ड चीज चाहिए। चीज तो मैं भाई रूखी खा जाता था, किस किस ने रूखी खाई है चीज, थोड़ी सी चीज हम पहले इसी के ऊपर डाल देते हैं। चीज डालने के बाद वो तुम्हें अभी से सेक्सी लगने लग जाएगा, बट अभी तुम्हें उसे खाना नहीं है, अभी तुम्हें क्या करना है, उसके ऊपर डालने हैं कॉर्न जो कि बॉइल करने हैं। बॉइल कैसे करने हैं, सिनेमैटिक चलाओ। अब ये जो अपने प्याज हैं इन्हें आप अपनी मर्जी से स्प्रेड कर सकते हैं जैसे आप चाहें, और थोड़ी थोड़ी अगर आप कैप्सिकम खाते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड इतना कुछ करने के बाद लास्ट काम, दोबारा से चीज हमें अपने इस बेस पर डालनी है, तो बस ये लास्ट है और इसके बाद बन गया भाई, बस इस चीज को स्प्रेड करना है थोड़ा और अच्छे से, पूरे लगभग पिज्जा को कवर करना है हमें इस चीज से। अब ये दिखेगा कुछ ऐसा, लग रहा है सेक्सी,
बस डाल दे फिर ओवन में। आर यू गाइज रेडी? आई एम फुल रेडी। तो अब ओवन में डाल देते हैं। ये यहाँ डाल देंगे। टाइम 6 मिनट कर देना। 6 मिनट। टेम्परेचर टू हॉट टू हैंडल कर देना। टेम्परेचर स्टार्ट। एंड हाउ इजी इट इज गाइस, देख रहे हो? हाय हाय हाय, मुंह में पानी आ रहा है भाई देख के। मतलब 2 मिनट रह गए हैं, देख सकते हो। आपको अगर दिखा हो तो एक नंबर लग रहा है खाने में, जो मजा आएगा। 5-10 मिनट कितनी देर लगी अपने को वीडियो में आमने सामने बना रहा हूँ। 10 मिनट में पिज्जा तैयार घर पे। बस सामान ले आना एक दिन पहले, और सामान भी ऐसा है बड़ी आसानी से मिल जाएगा सारा, और टेस्टी बनेगा। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा खा के। बनने देते हैं बस अभी से, और फिर प्लेट में निकाल के गर्मा गर्म ओरिगैनो भी ले आना अगर आपके वहाँ मिलता है तो। मेरे यहाँ मिलता है बट खत्म हो गया मेरा, तो मुझे आज उसके बिना ही खाना पड़ेगा। कोई नहीं, आप ले आना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो फाइनली तुम्हारे भाई का पिज्जा हो गया तैयार, और ये तो तुमने देख ही लिया कि पिज्जा बना है कितना ज्यादा सेक्सी एंड हॉट एंड स्पाइसी बना होगा, पक्की बात है, क्योंकि मैंने शेजवान थोड़ी ज्यादा लगाई थी। आप भी लगा लेना, प्रोसीजर फॉलो करना और बनाना मेरे जैसा सेक्सी पिज्जा घर पे। पूरे 5-10 मिनट में घर वालों को बना के खिलाओ, इस टाइम पे आएगा तुम्हें एक नंबर का स्वाद। टेस्टी है भाई, तुम भी बनाओ, खाओ, टेस्टी है, बनाओ, जल्दी बनाओ। सो गाइस, कैसा लगा तुम्हारे भाई का होममेड पिज्जा ट्यूटोरियल? एज अ व्लॉग था यार, इस टाइम पे ना बाहर जाना सेफ है नहीं, घर पे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन करता है तो यही कर लेते हैं। आप घर पे पिज़्ज़ा बना लिया, मैंने तो पहली बार ही बनाता हूँ, ऐसे सारे घर वाले ही बनाते हैं यार। मैं तो आज, मेरे को आ गया, सीख गया मैं ये चीज़, और एक नंबर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा भाई के, वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो पे कमेंट कर देना। सो लास्ट में एक ही बात कहनी थी, चिल करो। मन का मैं साफ ना हूँ कि सतह भी घाट, करता मैं काम देसी नाम अर्बन घाट। मन का मैं साफ ना हूँ कि सतह भी घाट, करता मैं काम देसी नाम अर्बन घाट।